कि हमने गिफ्ट दिया हुआ फोन की कोई कदर नहीं हुई, लेटरिंग के अंदर घुसेड़ दिया। चल तो नहीं खड़ो लॉटरी मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, गलती करी, कोई तीर नहीं मार रखा है आपने, क्या क्या करना पड़ता है। तो गाइस इस समय मैं जहाँ पर बैठकर इंट्रो दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता किसने इंट्रो दिया होगा, बट मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को आइडिया यहीं पर आया। और हर व्लॉग में प्रिया बोलती है ना कि उनके पता नहीं बाथरूम में बैठ रहे थे, बहुत टाइम लगाते ये करते वो करते हैं, तो एक्चुअली आप लोगों को सुन के हंसी आएगी, मतलब या सच में आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है आई डोंट नो, बट मेरे साथ होता है कि बाथरूम में दिमाग बड़ा चलता है। और अभी बस मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मेरे आप लोगों को पता है कि मुझे एक फ़ोन मिला है, मतलब मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला है, तो इस फ़ोन को मैं मतलब फ्लश ऑफ कर दूंगा। सच में नहीं करूंगा, मतलब ऐसा उसको बोलूँगी फ्लश ऑफ कर दिया मैंने गलती से और ये वो करके, तो देखते उसका रिएक्शन क्या होता है। फटाफट से मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देता हूँ, स्विच ऑफ करके एयरप्लेन मोड पर लगा देता हूँ और रख देता हूँ, तो देखते क्या रिएक्शन होता है उसका। तो वीडियो साथ बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ एक और बात, आप लोग बताना कमेंट करके, आप लोग भी ऐसा फ़ोन लेके जाते हो? मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग लेके जाते होंगे, मतलब बहुत सारे लोग लेके जाते हैं। देखो टू बी फ्रैंक, मुझे तो अच्छा लगता है तो इसलिए मैं लेके आता हूँ और मैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बात। और बात ऐसी कि मैं फटाफट से इसको फ्लश करता हूँ और फ़ोन को मैं कहीं ठिकाने लगाता हूँ, स्विच ऑफ नहीं एयरप्लेन मोड पर लगा के, फिर देखते उसका रिएक्शन क्या होता है। तो लाइक करो, लाइक अचानक से, मतलब ये भी आइडिया जो आया ना, ये जो आइडिया यहीं पे वॉशरूम में बैठ के, तो बस मेरे को आइडिया आया तो मैंने क्यों ना इसको अंजाम दिया जाए अभी। तो चलो मैंने फ्रंट कैमरा फिट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। क्या करो यार, मेरी किस्मत ही ऐसी अच्छी। मुश्किल से फोन मिला। प्रिया एक मिनट जरा यार, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा मम्मी, मैं रुको यहाँ बाद में करती हूँ फोन। मैं लुट गया यार, खाना भी बनाना है। ठीक है, बाद में करूंगी। क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया, लुट गया मैं। क्या हुआ बताओ तो सही। नहीं, फोन मेरा उसके अंदर चल गया, गिर गया। ओह नो, पागल हो गए हो? हाँ तो निकालो ना फिर। मैंने निकाला यार, मैंने हाथ डालो और अंदर घुस गया वो, सच कह रहा हूँ मैं। अब दिखेगा ये मेरे को, और ले जाओ बाथरूम में फोन। और भैया मेरी गलती थी, मैं सच कह रहा हूँ। हाथ रखो, फोन तो रख लिया ऊपर से, गंदे गंदे हाथ लगा रहे। निकालो, मुझे नहीं पता, नया फोन है, चार दिन भी नहीं हुआ, तभी नहीं हो रखा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक काम करना, जरा हाथ छोटे छोटे है, जरा घुस भी जाएगा मेरे गाय के अंदर हाथ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। मैं नहीं गई थी, क्यों छोटे हाथ में घुटेंगे? इतना तो कर सकती है, छोटे हाथ है, जमा डाल दे, ऐसे हाथ डाल के निकाल दे, प्लीज फ्री आ जाए। इतना कर सकती है ना? कितने दूर गया? वो गया यार, बर्थ रखा है मैंने, ऊपर से सबने मिलकर गिफ्ट दिया, पता है, लाओ कोई बात नहीं, डाल दे, इसको मैं लेके आऊं। ये कैसे हो गया है? उससे पहले रुको ना, कि सच्चाई तो पता लगनी चाहिए। क्या भैया, मेरे को मेरा ये ब्लॉग में डालने की बातें हैं? क्यों आते डालते हैं, मैं निकाल दूंगी आपका फोन, ये डाल दिए यार। सब लोग क्या कहेंगे प्रिया? तो गाइस अभी क्या हुआ, इन महाशय ने फोन डाल दिया लैपटॉप के अंदर। यहाँ पे प्रिया मेरा फोन चल गया, सागर भी आप सब इनने गिफ्ट दिया हुआ फोन डाल दिया। अब मेरे से पूछ लेते ना, बस मैं तो सिर्फ एक प्रूफ के तौर पर मेरा बुलाते यार, आप डालो ना, यार मेरा हाथ जाए ना, मेरा हाथ मोटा है, मैंने हाथ डालो फोन और अंदर घुस गया, तो मैं कैसे निकालूंगी? छोटे छोटे हाथ है इसके, तो ऐसे करके पूरा वहां तक पहुंच जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ये ले जाने से पहले नहीं सोचा था, मुझे क्या मतलब, 10 बार बोला था ना आपसे कि मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, मुझे क्या मतलब, घूम जाएगा और लेके जाओ लैटरिन में, एक घंटा बैठो। नहीं अगर फोन
और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर देती है और अब ये सबसे बड़ी बात सबने मिलके गिफ्ट दिया है आपको हाँ। इतना खुश हुए थे ना तो उनको क्या कैसा होगा सबको कि हमने गिफ्ट दिया हुआ फोन की कोई कदर नहीं हुई लेटरिंग के अंदर घुसेड़ दिया। चल तू निकाल तो दे मेरे बाबू निकाल दे फिर हाथ धो पहले। चल अब हाथ नहीं लगाऊंगा। चल निकाल यार वो खराब हो जाएगा फोन पता है तेरे को। आपको ना कि मैंने फोन इतना वो कर दिया। गिल्ट वाली बात नहीं। गिल्ट में क्या करूं मैं गिर जाऊं मैं इससे कुछ नहीं होएगा यहीं तक आएगा। नहीं नहीं बस यहीं तक इतना ही दूर किया जा दूर नहीं गया यहीं तक हाथ डालूंगी यहाँ तक तो बंदा आएगा ना लिफाफा तो बढ़ा दो इतने में आ जाएगा। चल आ जाएगा। चल सच कह रहा हूँ मैं। क्या क्या करना पड़ रहा है आपकी वजह से। सच में निकाल रही इधर मेरे को पता है फोन का है। यहाँ फ्लश होता है ना फ्लश होने के बाद सीधा जाता है ऐसे यहाँ से नाली आती है ये नाली ऐसे 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 आएगी ऐसे 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 करके यहाँ पे पहुंच जाती है। क्यों हो रहे लाइटिंग में डालने वाली थी हाथ वो नाली है ऐसे करके ऐसे वहां से पहुंच जाती है। मुझे पता है मुझे तो ये लगा गिर गया लैट्रिन में लेकर सच में हो सकता है ऐसा। ठीक है भगवान ने संकेत दे दिया। क्या संकेत दे दिया भगवान ने आइडिया दिया है संकेत नहीं दिया है। वो आइडिया मेरे पर बैठ के मेरे को आया बड़ा मस्त वाला। धरो अगर किसी दिन गिर गया सच में गिर गया ना तो मैं निकालूंगी भी भाई अभी तो तैयार हो गई थी मैं निकाल मैं फ्लश कर दूंगा मैं जा नया लेके आऊंगा मैं। हाँ पैसा तो बड़ी बड़ी बात है जो लोगों ने गिफ्ट किया उसकी कोई कदर नहीं ना। ऐसी बात नहीं अच्छा, ये मैं मजाक कर रहा हूँ देख हाथ धोया मैंने सुन सुन पागल है खाली खाली में भी ड्रामा कर देता है। कुछ हो जाता तो फोन को कुछ नहीं होता तेरे को फोन की ज्यादा टेंशन है। क्यों नहीं है भाई हफ्ता नहीं हो रखा है बताओ क्यों नहीं होगी। सो गाइस मैं अभी कटिंग वगैरह करवा के आज को देखो कितना स्मार्ट लग रहा है तुम्हारा भाई। और अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं ना बहुत पहले मतलब प्रियंक से एक प्रैंक किया था गोप्रो में मतलब किया था और वो गोप्रो मेरा गुम गया पता नहीं कहाँ चले गया मतलब घर ही घर में गुम गया बाहर नहीं घुमा तो मेरे को मिल नहीं रहा था होली के टाइम पे इधर उधर कर दिया था और अभी फाइनली मेरे को मिल चुका है। तो उसमें जो क्लिप्स है मैंने चेक करी तो मतलब उसमें मिल गई मुझे क्लिप तो आप वो चेक करो अभी। चिल्ला क्यों रही है ये इसका दिमाग खराब हो रखा जब से इसके साथ प्रैंक किया मैंने तो अभी वो क्लिप आप चेक करो मतलब रील बनाते हुए मैंने उसके साथ प्रैंक कर दिया था तो वो फटाफट देखो। और हाँ एक बात और उस दिन मतलब उस दिन नहीं उन दिनों मम्मी घर पर ही थे और आजकल तो मम्मी नेपाल जा रहे हैं आप लोगों को पता ही जो ब्लॉग्स देखते हैं तो आप ये मत समझ रहे मम्मी लोग गाँव से आ गए हैं आए नहीं है मम्मी वहीं पर है। ये पुरानी क्लिप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप ताकि देख सको और इन्जॉय करो। एक मस्त वाला आइडिया है और आइडिया क्या है कि प्रिया के साथ एक मस्ती करते हैं और वो ना कब से बोल रही है एक रील बनाते उसमें जो भेजी भी थी रील वो वाली तो अब वो रील बनाएंगे लेकिन उस रील में कुछ चेंजेस होंगे मॉडिफिकेशन होगी जो मेरे हिसाब से होगी और वो देखना क्या होगी आपको बहुत मजा आएगा। पहले मैं कैमरा फिट कर लेता हूँ गोप्रो फिट कर लेता हूँ क्योंकि कैमरा तो उसके पास होगा वो सोचे कि हम रील बना लें लेकिन रील में ही उसके साथ एक प्रैंक होने वाला है बड़ा मजेदार और वो मैं पोस्ट भी कर दूंगा देखना आप मतलब रील में भी पोस्ट करूंगा और व्लॉग तो आपको मिल ही जाएगा वीडियो मिल ही जाएगी तो चलो फिर चलते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पर गोप्रो फिट कर दिया है और फटाफट चलता हूँ और प्रिया को बुलाता हूँ उसको बोलते हैं रील बनाते हैं चलो ठीक है। और ये गोप्रो मुझे लगता है उसको दिखेगा बहुत छोटा सा और यहाँ पर दिखेगा भी नहीं उसको तो इस जगह पर यही वो जगह है जहाँ पर होने वाला है। ऊपर सारा काम हो गया प्रिया को लेकर चलते हैं। प्रिया ये सूट कहाँ से है अब ये पहले का सूट है। चल ठीक है इसको लेट इट बी छोड़ो इसको अभी ना हमने रील बनानी है अभी हाँ तो यार तो नहीं ऐसे तेरे पैर चाहिए बस थोड़ा बाल तो सेट अच्छा तेरे बाल तो हाँ, समझ के। बस पैर चाहिए तेरे
पंग लेट्स गो आ रे यार आ जा ले जरा ये सही बोला सबसे ज्यादा खुश मैं इसलिए रहते आप ही होना पड़ा चप्पल खोल दे यार ही होना पड़ेगा और एक बन जाए ऐसे पहले ऐसे पैर करना ऐसे पैर में करना फिर ऐसे करके ऐसे मेरे को दिखाना अच्छा मैंने बना लिए हां तो आपकी जरूरत ही क्या है खुद ही बना लेती पानी कौन पिएगा अच्छा ऐसे जल्दी करो गरम हो रहा है ठीक है कर दो रिकॉर्डिंग ऑन हां रिकॉर्डिंग ऑन है थोड़ा पीछे हो जा रेडी जब मैं से एक बार फेंकूंगा ना नीचे पैरों में फिर उसे मेरे को दिखाना फिर मैं स्माइल करूंगा ऐसे ही ठीक है ठीक है 1 2 3 एक बार और चार इधर मेरे को दिखाओ हाँ या ठंडा पानी काम दे मेरे को ठंडा पानी ये है रील हमारी एक मिनट जा ये हमारी न्यू रील है ये हमने ऐसे रील बनानी थी पानी हो गया है ही नहीं पानी खत्म तो हमने रील बना ली अब ये रील आपको पोस्ट हो जाएगी और हमने ट्रेंड में कुछ नया मॉडिफिकेशन किया है और वो हमारी ट्रेंड ऐसे होता है वो हर्षी नहीं है वो प्रिया है मम्मी पहली बात तो हर्षी की माँ है ना ठंडा लग जाएगा हर्षी को तो बच्चे हुए को 3 महीने हो गए एक काम करो ना क्या करो कि इसको पैक करके लिफाफे में बेड में डाल दो फिर बेड में डालो ठंडा पानी क्यों फेंका ऊपर नहाते नहीं है इस आड़ में लेके हर्षी को ठंड लग जाए हर्षी को ठंड लग जाए करके तो गर्म पानी से नहाती हूँ ठीक है आपकी तरह नहीं ठंडा पानी डाल दो नहा दिया ना नहा दिया हो गया बस मोबाइल में भी पानी क्या उसके ऊपर भी पानी मोबाइल वाटर प्रूफ है और तू क्योंकि गल जाती है क्या तू पानी से तो पानी से गलती है मेरे मत मेरे ऊपर जितना मर्जी पानी डालो तो अब हर्षी है ना हर्षी को पता डाला तेरे ऊपर डाला ना मैंने ये ऐसे करने के लिए हर्षी नहीं है ये क्या हुआ इससे कपड़े तो गिले हुए धोने तो नहीं है धोने तो नहीं है पागल हो गई अम्मी